नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कर लें। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और इस वीडियो को और हमारे चैनल की जो बाकी सारी वीडियोस हैं उसे भी प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू। सो आई एम बैक और मैं आपके साथ फिर से, जी हाँ फिर से, एक बहुत ही फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल हेल्थ टिप शेयर करने वाली हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स बिगिन। सो आज के सेगमेंट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उन चीज़ों के नाम, जी हाँ उन चीज़ों के नाम जिनको आपको दूध यानी मिल्क के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इट्स अ बिग बिग नो। सो प्लीज़ उन चीज़ों के बारे में ध्यान से सुने। सो जैसे कि हमें पता है कि दूध एक पौष्टिक आहार है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन डी समेत अन्य पोषण तत्व मौजूद होते हैं, और दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, और दूध बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। और कई लोग सादा दूध पीना पसंद नहीं करते हैं तो उसमें चॉकलेट, शहद, बादाम आदि चीज़ों को मिलाते हैं, और कई लोग दूध के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और हेल्दी स्नैक्स बनाने के चक्कर में हानिकारक, जी हाँ हानिकारक कॉम्बिनेशन को मिलाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सो दूध का तासीर एक्चुअली ठंडा होता है। सो अगर इसे किसी गर्म चीज़ के साथ मिलाया जाए तो सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा पाचन तंत्र को भी कमज़ोर कर सकता है। सो इन कॉम्बिनेशन के साथ में पीने से एलर्जी और एसिडिटी की समस्या भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो आइए जानते हैं कि दूध के साथ किन चीज़ों को नहीं खाना या पीना चाहिए। सो पहले तो दूध के साथ जो खट्टे फल होते हैं उनका सेवन करना हानिकारक है। संतरा, नींबू, अनानास आदि का सेवन करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, और इन चीज़ों के साथ में खाने से हमारा पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। वहीं हम में से कई लोग स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी आदि को मिलाकर मिल्क शेक के रूप में सेवन करते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और कई बार फूड एलर्जी का कारण भी बन जाता है, और हमेशा दूध पीने के 2 घंटे बाद ही हमें ये बेरीज का सेवन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोग दूध पीने के तुरंत बाद नमकीन या आदि चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। सो इन चीज़ों को साथ में खाने से डाइजेशन की समस्या आ सकती है। इसके अलावा पेट में दर्द भी हो सकता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड लास्टली कई लोग मीट खाने के बाद रात में दूध का सेवन करते हैं। सो इन दोनों चीज़ों में प्रोटीन होता है, सो इससे पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और कई बार दोनों चीज़ को एक साथ खाने से आपकी पेट की समस्या और बढ़ जाती है और आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। सो इन चीज़ें और इन फूड आइटम्स को प्लीज़ मिल्क के साथ बिल्कुल भी ना लें और इसका इनटेक ना करें। सो ये था हमारा आज का सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP इंडिया। जो भी मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड बताती हूँ प्लीज़ फॉलो दैट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता भी सकते हैं अपने रिव्यूज़, योर टेक, एनीथिंग। सो इफ़ यू लाइक टुडेज सेगमेंट, लाइक आई सेड, प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया।